Yeah, in this session we are going to discuss about a very well known play, a very remarkable play, एक आप कह सकते हैं बहुत ही well known और remarkable play है। और वह जो well known और remarkable play है किसका है? That is जान गालस्वर्दी। और मैंने आपको पहले से बताया था गालस्वर्दी का मतलब कि आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि गालस्वर्दी एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं और एक ऐसे नावलिस्ट हैं जिनमें आपको जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जो मार्क्सिज्म है, जिसमें क्लास स्ट्रगल को लेकर के बात होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर्स को लेकर के बात होती है, वो उस तरह के ड्रामेटिस्ट हैं, उस तरह की चीज़ों को वो लेके बात करते हैं। द पार्टिकुलर लाइफ विच वी आर लिविंग, जिसको कहा जाता है कि लाइफ बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, एक ऐसा जीवन जो वास्तविकता के धरातल पर होता है, उसको जो है उस जिंदगी का को वो जो है क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, या यू कैन जस्ट से ही नरेट्स, ही डिपिक्ट्स, ही नरेट्स, ही टेल्स अबाउट सच लाइफ विच इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। तो हमें ये बखूबी समझना है कि जब भी हम जान गालस्वर्दी को बात कर रहे हैं या जब भी हम जान गालस्वर्दी को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके हर ड्रामा, उनके हर नावेल में मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी और वह उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। लेकिन यह जो प्रॉब्लम होगी, यह प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का है, यह प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ऐसे समाज का है जहाँ पे केवल ओनर की लाइफ को दिखाया जा रहा है, वर्कर की लाइफ को नहीं दिखाया जा रहा है। या आप कह सकते हैं कि उनके ड्रामा में ऐसा नहीं है कि केवल मास्टर की जिंदगी है और सर्वेंट की जिंदगी का जो एक आपको स्टेन है, पेन है, दर्द है, ट्रामा है, एगिनी है, उसके लिए कोई जगह नहीं। नो, नॉट एट ऑल। एज अ ड्रामेटिस्ट यू फाइंड दैट इन हिज प्लेज एंड नॉवेल्स देयर आर सोशल इशूज। आप देखते हैं कि ड्रामेटिस्ट के रूप में उनके जो है नॉवेल में और ड्रामा में सोशल इश्यूज हैं, यू फाइंड सोशल चैलेंजेस, यू फाइंड सोशल प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू कि उन प्रॉब्लम्स में मुख्य तौर पर पावर्टी, इलिटरेसी, गरीबी, अशिक्षा, साथ ही साथ इनजस्टिस, अन्याय, इनइक्वेलिटी, असमानता, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री और एंड वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, द सोशलिस्ट मूवमेंट। मेरे शब्दों पे आप ध्यान में रखिएगा, जो सामाजिक मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उसको लेकर के। इसके अलावा उनके अपने ड्रामा में एक और चीज आपको नजर आता है, वह चीज क्या है कि एक वर्ग विशेष की, आप कह सकते हैं कि हिंदी में जिसे कहा जाता है कि छटपटाहट नजर आती है, मतलब एक वो अंदर से बिल्कुल मायूस है, हताश है और अपने आप को बहुत कमजोर पाता है, हेल्पलेस कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ मिडिल क्लास। और एक ऐसा उन्होंने दिखाया कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ एक ऐसा सिस्टम डेवलप है कि जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकते हैं, दे आर एबल टू परचेज एनी थिंग, नॉट ओनली टू परचेज कमोडिटी, दे आर एबल टू चेंज द लॉ, ऑर्डर एंड सिस्टम। सबसे बड़ा चीज ये है कि कमोडिटी जो होती है, जो वस्तुएं होती हैं, वो तो मार्केट में बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, लेकिन जब लॉ को बेचा जाए, लॉ को खरीदा जाए, या जो सिस्टम बना हुआ है, अगर उस सिस्टम को पैसे के बल पर बदला जाए तो वहां से दुख होता है। इस तरह की चीजों को लेकर के जान गालस्वर्दी हमारे सामने आते हैं। फिर से मैं बता दूं कि हम इस क्लास में जिसको लेकर के बात कर रहे हैं वह उनका एक प्ले है, द सिल्वर बॉक्स, जो 1906 ईस्वी में आता है। इसके पहले हमने उनकी एक नावेल को लेकर के डिस्कस किया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 ईस्वी में आई थी, उनका पहला सक्सेसफुल नावेल था। ऐसे ही द सिल्वर बॉक्स उनका पहला सक्सेसफुल प्ले है जो 1906 ईस्वी में आता है। नाउ जो आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो उनका नावल था, उस द मैन ऑफ सर, इज इट हिज फर्स्ट प्ले और इज इट हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले? इट इज द फर्स्ट प्ले, फर्स्ट प्ले, फर्स्ट प्ले एंड फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले। सो यू फाइंड दैट व्हेन वी गो विद दिस प्ले, व्हेन वी गो विद दिस प्ले, वी फाइंड अ वेरी रिमार्केबल थिंग।
And what is that thing? In this play, you don't find that there is a mentioning of Forsyth saga family. Yeah, Soames Forsyth, there is Irene. No Soames Forsyth, no Irene. बल्कि एकदम ग्राउंड पर जा करके जो एक क्लास स्ट्रगल है, जो एक क्लास का जो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको लेकर के उन्होंने दिखाया हुआ है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो सिल्वर बॉक्स है, जो टाइटल है, वह बहुत ही सिंबॉलिक है, उसको लेके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी चीज हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना है कि ये जो प्ले है, इस प्ले में जो एक आदमी गरीब है, जो गुर्बत भरी जिंदगी जी रहा है, द मैन हु इज द पार्ट ऑफ द लोअर क्लास, द मैन हु इज नॉट एबल टू परचेज, द मैन हु इज नॉट एबल टू गेट मनी, द मैन हु इज नॉट कैपेबल टू परचेज कमोडिटी, नॉट ओनली कमोडिटी बट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वाटर के लिए संघर्ष कर रहा है, फूड के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं पर एक ऐसा समाज है जो कि बड़े घराने हैं, जिनके बच्चे जो है रात में ड्रिंक करके आते हैं और पार्टियों में इंजॉय करते हैं, फिर आने के बाद वो सो जाते हैं, कोई उनको काम नहीं है। इवन जब वो आते हैं तो इतना ड्रिंक लिए हुए हैं कि वे जो है सही से अपने बेड पर नहीं जा पाते हैं। उनको नौकर हेल्प करता है, लेके उनको बेड पर जाता है, सुलाता है, फिर वो सुबह उठते हैं। उनका जब नशा उतरता है तो नौकर से कहेंगे मुझे चाय लाइए, नौकर चाय लाएगा। एक लाइफ उनकी सोफिस्टिकेटेड लाइफ, कल्चर्ड लाइफ, और ऐसे लोगों को कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड पीपल कहा जाता है। नौकर ऑलवेज 24, आप कह सकते हैं कि आर्स इंटू 7 जो है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प सच पीपल, एंड दीज पीपल डोंट हैव टाइम टू केयर अबाउट देयर ओन लाइफ। और जो जो लोअर क्लास है उनको छोड़ ही दीजिए। सो मेरा एकदम बिल्कुल एक चीज है कि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जो मार्क्सिस्ट अपील है, कितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने दिखाया है कि एक जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, इन दैट सोसाइटी देयर इज अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एंड दिस गैप एग्जिस्ट बिकॉज ड्यू टू द इनइक्वल डिविजन ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने बताया है कि एक गैप है, और यह गैप किसकी वजह से है? यह गैप इसलिए है कि इकोनॉमी का इनइक्वल डिवीजन है, नेचुरल रिसोर्सेज का इनइक्वल डिवीजन है। इकोनॉमी और नेचुरल रिसोर्सेज का इनइक्वल डिवीजन है, कैसे है? यू जस्ट कम टू नो कि किसी को पैसा ज्यादा मिल गया और वो उस पैसे का मिस यूज कर रहा है, टेकिंग ड्रिंक, जस्ट ज्वाइनिंग पार्टी, पासिंग मटेरियलिस्टिक लाइफ, पासिंग लग्जूरियस लाइफ, दीज थिंग्स यू फाइंड। उसके बाद होता क्या है कि वह रात में आएगा, तब भी इतना ड्रिंक लिया कि खुद से अपने बिस्तर पे नहीं जा पाता है, उसको नौकर ही हेल्प करेगा, बिस्तर पे ले जाएगा, फिर अगले दिन नौकर की बीबी आएगी, घर में झाड़ू पोछा तमाम सारा काम करेगी। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, एक रूटीन है, सच अ थिंग यू फाइंड इवन इन एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, 4-7, 5-7, 3-7, 2, मतलब ये गलत चीज नहीं, लेकिन कम से कम आप कितना उनको केयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत मायने रखता। तो सच अ थिंग यू फाइंड, और इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं चैलेंजेस को लेकर के वो जो है सिल्वर बॉक्स जो प्ले है वो हमारे सामने रखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ही वॉज बॉर्न इन विक्टोरियन एज, बट यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ हिज रिमार्केबल वर्क्स केम इन मॉडर्न एज। जो विक्टोरियन एज था, उस विक्टोरियन एज में इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री का एक निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिला कि जो ओनर ऑफ द इंडस्ट्री है वो कैसे वर्कर का शोषण करते हैं। लेकिन पहले तो इंडस्ट्री लगी, बाद में वो इंडस्ट्री लगाने वाले ही खुद इंडस्ट्री बन गए, इंडस्ट्री का मतलब मशीन बन गए। और जब आदमी मशीन बन जाता है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं होती, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, जज्बात नहीं होता, वह दूसरों की कदर नहीं करता। वह जो है क्या करेगा, हर चीज को जो है मशीन के माफी की यूज करेगा, मशीन के माफी की देखेगा। आपने इस चीज को देखा था कि अभी जब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाए हुए थे, तो जो उसमें सोम्स फॉरसाइट है, सोम्स फॉरसाइट के पास पैसा है, शोहरत है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन सोम्स फॉरसाइट का अपनी वाइफ आइरीन से नहीं पटती है। वहां तो एक फैमिली ड्रामा था, एक फैमिली स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पे एक सोशल, एक सोसाइटी की कहानी है, एक समाज है, और उस समाज में दो वर्ग है। उस वर्ग में एक आदमी मालिक है, दूसरा नौकर है, नौकर उसके घर पे काम करता है, और पैसे की तंगी, पैसे की कमी की वजह से आप देखेंगे कि नौकर की लाइफ कितना पेनफुल है, कितना वो हेल्पलेस है।
वही दूसरी तरफ एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वह उस पैसे का मिसयूज करता है, ड्रिंक करते हैं, पार्टियां ज्वाइन करते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ, लग्जूरियस लाइफ वो पास करते हैं। तो ये जो चेहरा समाज का हमारे सामने आता है, इस चेहरे को लेकर के शायद जॉन गॉल्सवर्थ ये बताना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इन विच ही वॉज लिविंग दैट वॉज द अनडाउटली दैट वॉज द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो अर्ली 20th सेंचुरी है, जिस 20th सेंचुरी में इंग्लैंड का बोलबाला पूरी दुनिया में था, जो इंग्लैंड ये कहता था कि जो द सन डजंट सेट इन माई किंगडम, जो ये कहता था कि सूर्य कभी मेरे साम्राज्य में डूबता नहीं है, एंड वी आर बॉर्न टू टीच व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन टू द पीपल हु आर लिविंग इन द इंटायर वर्ल्ड, उसी के यहाँ के लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा 1906 ईस्वी में वहाँ का जो एक लिटरेचर द सिल्वर बॉक्स आता है, वहाँ पर देखते हैं कि वहीं के लोगों की जो सांसें हैं वो टूट रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे अपनी जिंदगी में केवल सिसकियां ले रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा वर्ग है जो इंजॉय कर रहा है, एक ऐसा वर्ग है जो संघर्ष कर रहा है। तो इंजॉय और संघर्ष में ये चीज आप देखेंगे कि एक क्रांति जन्म लेती है, वह क्रांति 1917 ईस्वी में होती है, जिसको हम रूसी क्रांति कहते हैं। और उस रूसी क्रांति ने क्या किया कि कैपिटलिज्म को धराशायी किया, सोशलिज्म आगे बढ़ा। लेकिन सोशलिज्म जब आगे बढ़ता तो वह सोशलिज्म कहाँ तक जाता है, लेनिन के समय तक जाता है। और स्टालिन ने क्या किया कि सोशलिज्म का आप कह सकते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजी ली, लेकिन जो उनका कपड़ा था, जो उनका लबादा था, जो उनका चोंगा था, वह क्या था, कैपिटलिज्म का था। फिर से कैपिटलिज्म, अमेरिका, पूंजीवादी व्यवस्था, दीज थिंग्स वी फाइंड। सो जो पढ़ाने का मकसद है, इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ किन बिंदुओं को, विच थिंग्स हैव बीन टेकन बाय दैट मैन, विच पॉइंट डू यू फाइंड, एंड इन व्हाट वे यू हैव टू टेक दीज थिंग्स, हाउ यू हैव टू डिस्कस, हाउ यू हैव टू गो, यू विल कम टू नो कि बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरत ढंग से वो एक्सप्लेन करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह जो ड्रामा है, यह जॉन गॉल्सवर्थी जो राइटर हैं, वो ना तो राजा की कहानी बताते हैं, ना किसी रानी की खूबसूरती का जिक्र करते हैं, ना वे किसी ऐसी परी की दुनिया के बारे में बात करते हैं जहाँ पे मैजिकल स्टिक है और एक चीज की घुमाने से सब कुछ सही हो जाएगा। देर इज नो अलाउद्दीन का चिराग और देर इज नो सिस्टम बाई विच द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन राइट डायरेक्शन, नो नॉट एट ऑल। जो वो राइटर हैं वो जिंदगी के राइटर हैं, और कौन सी जिंदगी, जिस जिंदगी को हम और आप जी रहे हैं, वे उसके राइटर हैं जो जहाँ पे जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य वर्ग जो सिसकियां ले रहा है, मध्य वर्ग जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी छटपटाहट, उसकी बेबसी को, उसकी हेल्पलेस कंडीशन को, उसके जीवन के जीने की जो जिजीविषा है, जो डिजायर है, जो विश है, जो एम्बिशन है, उसको उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो और एक ऐसा वर्ग जो जिसका फैमिली आप कह सकते हैं लीडर है, और लीडर के साथ साथ वो लेबर पार्टी को प्रेजेंट करने वाले हैं, या इस तरह से कहने के लिए कि लेबर पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। फादर तो कुछ हद तक अच्छे हैं, लेकिन जो बेटा है वह जो है बिल्कुल दूसरी दुनिया में जाता है। तो एक ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत यही है, इनइक्वलिटी। ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत यह है इनजस्टिस। ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत है कि क्लास स्ट्रगल। ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तरह से गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हाउ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री या हाउ द पीपल ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास ट्रीट द पीपल ऑफ द लोअर क्लास। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग हैं वे लोअर क्लास को ट्रीट कैसे करते हैं, ड्रामा की ये खासियत है। इन चीजों को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर के वहां पे बात कही गई है, इन चीजों को लेकर के रखा गया है। ऐसा नहीं कि जस्ट आई वांट टू अराउज योर इमोशन, आई वांट टू अराउज योर फीलिंग, नो नॉट एट ऑल। इवन व्हेन यू रीड या यू जस्ट थिंक, यू जस्ट फाइंड, इवन इन आर नेशन इन इंडिया यू कैन जस्ट सी सच अ हेल्पलेस कंडीशन, हाउ द पीपल आर हेल्पलेस, कितना ज्यादा लोग हेल्पलेस हैं, कितना हेल्पलेस जिंदगी वो जी रहे हैं। दीज थिंग्स यू कैन जस्ट सी, दीज थिंग्स यू कैन जस्ट फाइंड। So, मेरा जो कहने का मतलब है, या जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ, ये तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर ड्रामा में एक कैरेक्टर, वो सारा पॉइंट्स मैं बताऊंगा, एक मैं मैटर आपको अलग से भी भेजूंगा, लेकिन वो स्टोरी कैसे जन्म लेती है,
राइटर कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कौन सी थियरी को आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, या कौन कैसे, हाउ डू यू फाइंड द मार्क्सिज्म इन दिस प्ले, हाउ डू यू फाइंड द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, हाउ डू यू फाइंड द क्लास स्ट्रगल, हाउ डू यू फाइंड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, दीज आर द क्वेश्चन जो डिस्कस करने की जरूरत है। यहाँ पे किसी एलियन की नहीं, किसी अनदर प्लानट की बात नहीं की जा रही है। आज से आप मान चलिए 115 साल पहले यह ड्रामा आया होगा, लेकिन हाउ मच रेलिवेंट इवन इट इज टूडे इवन इन आर नेशन। हो सकता है कि यूरोप की दशा और दिशा बदल गई हो, हो सकता है कि यूरोप के लोगों में बहुत कुछ इसको पढ़ने के बाद जो चेंजेस आए हुए हों, बट इवन इन आर नेशन वेयर वी आर लिविंग वी कैन जस्ट सी दैट ड्यूरिंग द पैंडेमिक हाउ द लेबरर्स वर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू यू कैन से बिहार, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इससे जो है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि ड्रामा में किन चीजों को लेकर के बात कही गई है। अब मैं एक एक पॉइंट या एक एक चीजों को आपको जिक्र करना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज की जो ड्रामा है वो कितने एक्ट में, 3 एक्ट में है। अगर आपको याद होगा कि एलिजाबेथन ड्रामा जो होता था वो 5 एक्ट में होता था, लेकिन बाद में जो है मॉडर्न एज आते आते ड्रामा 3 एक्ट और 1 एक्ट में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह जो प्ले है यह 3 एक्ट में है। आपने आम संधि मैन पढ़ा होगा, वहां पर भी आप देखते हैं कि वह 3 एक्ट में रहता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसका टाइटिल है वह बहुत अपीलिंग है, द सिल्वर बॉक्स। एक सिल्वर बॉक्स है, वही चोरी कर लिया जाता है, किसके द्वारा कर लिया जाता है, कैसे कर लिया जाता है, फिर उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या चोरी करने वाला एरिस्टोक्रेटिक क्लास से था या चोरी करने वाला लोअर क्लास से था, अगर वह लोअर क्लास से था और अगर सिल्वर बॉक्स एरिस्टोक्रेटिक क्लास का है तो इसी चीज को, इस सिल्वर बॉक्स का स्टीलिंग होना ही समझ लीजिए एक बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना के बाद जो चीजें आती है वह क्या आती है, नेचर, कि जो नेचर एरिस्टोक्रेटिक क्लास का है वह कैसा है और किस तरह से वह हमारे सामने पेश किया जाता है। सो अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वह इन्फॉर्मेटिव है, और इन्फॉर्मेटिव बात को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, उसके बाद जो है दोबारा मैं वापस आऊंगा, हो सकता है कि मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों से लूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सिल्वर बॉक्स है यह इनका पहला प्ले है, और पहले प्ले के साथ साथ मैंने ये भी यूज किया था कि फर्स्ट एंड फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले, काफी सफल हुआ था, ठीक था, इतना नहीं था कि बहुत ज्यादा, लेकिन जो है उसको काफी हद तक वह सफल हुआ था। 3 एक्ट में है, 1906 में इसको पहली बार परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है, 1906 में। तो यू फाइंड कि इट्स द प्ले ऑफ जॉन गॉड्सवर्थी, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 एक्ट, 3 एक्ट्स में है, एंड इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंडन। पहली बार यह कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, प्रोड्यूस मतलब परफॉर्म, इसको पहली बार लंडन में परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है, 1906 में। सो यू कम टू नो कि इट वॉज ओरिजिनली परफॉर्म इन लंडन इन 1906। जॉन गॉड्सवर्थी का प्ले द सिल्वर बॉक्स, द टाइटल इज हाईली मीनिंगफुल, एंड यू विल कम टू नो द स्टीलिंग ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज द मेन इवेंट ऑफ द प्ले, बट आफ्टर द स्टीलिंग ऑफ द सिल्वर बॉक्स बाई द पीपल ऑफ द लोअर क्लास, वॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, हाउ डू दे बिहेव, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेचर, नेचर समाज का, क्लास का। सो यू फाइंड दैट की 3 एक्ट कॉमेडी है या 3 एक्ट प्ले है। इट्स द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गॉड्सवर्थी, इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन लंडन इन 1906 में, लंडन में पहली बार आता है, एंड इन न्यूयॉर्क इट वॉज फर्स्ट सीन इन 1907, न्यूयॉर्क में 1907 में यह आता है। मैं फिर से आपको बता दूं, लंडन में कब आता है, 1906 में आता है, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क में भी होता है, और न्यूयॉर्क में कब होता है, 1907 में, 1 साल के बाद। लंदन और न्यूयॉर्क आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की बात चल रही है, दोनों जो जगह बहुत ही जो है पॉपुलर जगह रही हैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कल्चर के, सिविलाइजेशन के, या चीजों को मॉडर्न चीजों को एडॉप्ट करने में, ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। अब उसके बाद होता क्या है कि द प्ले मूव्स अराउंड अ सेंट्रल थीम, जो प्ले है उसमें एक सेंट्रल थीम है, और वह कौन सा सेंट्रल थीम है, द सेंट्रल थीम इज द डिसअपीयरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स।
एक सिगरेट बॉक्स है जो डिसअपीयर हो जाता है, द डिसअपीयरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो आपका प्ले है उसका सेंट्रल थीम क्या है, द डिसअपीयरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स। एक सिगरेट बॉक्स जो कि आपका सिल्वर बॉक्स है वह मिस हो जाता है। अब डिसअपीयरेंस हो गया, मिस हो गया, स्टील कर लिया गया, यह एक घटना घटित होती है। इसके बाद की सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है, कैसे मिस होती है इसको समझना है। इसके अलावा जब यह मिस हो जाता है तो मिस होने के बाद, यही इतना नहीं है, ड्रामेटिस्ट एक कदम आगे जाते हैं और सिल्वर बॉक्स की मिसिंग के माध्यम से ही टेल्स व्हाट ही अनफोल्ड्स द बिहेवियर ऑफ द सन ऑफ अ प्रॉस्पिरस पॉलिटिशियन। जो एक प्रॉस्पिरस पॉलिटिशियन है उनके लड़के का बिहेवियर, उनका लड़का ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, तो अगर कोई पॉलिटिशियन है जिसका मतलब क्या है कि वह एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं, फादर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनका बेटा है जिसका नाम जैक बार्थविक है, वह जो है उसका नेचर कहीं से भी अच्छा नहीं है। सो यू फाइंड दैट कि प्ले में केवल इतना ही नहीं बताया गया कि सिल्वर बॉक्स हैज बीन स्टोलन, बल्कि सिल्वर बॉक्स की स्टीलिंग के साथ यह भी बताया जाता है कि द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। और यह जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उस एरिस्टोक्रेटिक क्लास में एक पॉलिटिशियन है, एक लीडर है, जिनका अपना जो एक उनकी अपनी आइडेंटिटी है, नेम है, फेम है, शोहरत है, इज्जत है, तो उस आदमी का जो नेचर है, उनका नेचर प्लस उनके बेटे का नेचर, उनकी वाइफ का नेचर क्या है, लोअर क्लास के लोगों के प्रति इसको रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि साथ ही साथ ड्रामेटिस्ट ने अनएम्प्लॉयड जो सोसाइटी है या पीपल ऑफ अनएम्प्लॉयड सोसाइटी, उनको भी उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि अनएम्प्लॉयड मैन की उस समय क्या लाइफ है, कैसे क्या है, तो उसको भी, उसका भी एटीट्यूड। तो दो तरह का एटीट्यूड है, दोज हु हैव मनी, दोज हु आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, दोज हु आर द लीडर, दोज हु आर द पॉलिटिशियन, दोज हु अल्टीमेटली होल्ड ईच एंड एवरीथिंग, उन सबकी सिचुएशन को भी लेकर के यहाँ बात रखी गई है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके अलावा जो है ऐसे लोगों का जो कि मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं या आप कह सकते हैं लोअर क्लास के हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, क्या दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है, उसको भी प्रेजेंट किया गया है। एंड यू विल कम टू नो कि जब ये लंदन में जब ये पब्लिश परफॉर्म किया गया था, तो लंदन में जब ये परफॉर्म किया गया था तो रॉयल कोर्ट थिएटर में, जिस जगह पर इसको परफॉर्म किया गया था उसका क्या नाम था, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में, लंदन में जिस थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था, रॉयल कोर्ट थिएटर में परफॉर्म किया गया था, और न्यूयॉर्क में एम्पायर थिएटर में परफॉर्म किया गया था। तो ये दो जगह है जहां पे हमें ध्यान में रखना है कि रॉयल कोर्ट थिएटर और एम्पायर थिएटर, इन दोनों जगहों पे इसको परफॉर्म किया गया था। मैं एक बार फिर से इतने सेक्शन को रिवीजन कराऊंगा, कारण है कि यह इंफॉर्मेशन है, इसके बाद कैसे स्टोरी घटित होती है, मैं उसको, जिसको कहा जाता है प्लॉट, मैं प्लॉट पे बात करूंगा। मैं बता दूं कि द सिल्वर बॉक्स इट्स व्हाट, इट्स अ सोशल कॉमेडी, इट्स अ सोशल कॉमेडी ऑफ जॉन गॉल्सवर्थ जी, एंड वी नो इट वेरी वेल कि इट केम इन 1906 इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंग्लैंड में इसका परफॉर्मेंस होता है 1906 ईस्वी में, और जब इंग्लैंड में इसको परफॉर्म किया जाता है तो कौन से थिएटर में, रॉयल कोर्ट थिएटर, रॉयल कोर्ट थिएटर बहुत फेमस थिएटर है, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। उसके एक साल बाद यह जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में परफॉर्म किया जाता है 1907 में, और जब 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में परफॉर्म किया जाता है तो वहां पे जिस थिएटर में परफॉर्म किया गया था उसका नाम है एम्पायर थिएटर, एम्पायर जो स्पेलिंग साम्राज्य की है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट यू फाइंड कि थ्री एक्ट प्ले है, क्योंकि मॉडर्न एज में मोस्ट ऑफ द प्लेज यू फाइंड इधर इन थ्री एक्ट और वन एक्ट में। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये कि इसका जो थीम है वह थीम क्या है, दैट इज द स्टीलिंग और डिसअपीयरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स और सिल्वर बॉक्स, यह घटना है, लेकिन उस घटना के बाद की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि द ड्रामेटिस्ट इट वांट्स टू टेल या ही टेल्स व्हाट ही टेल्स द डिफरेंट नेचर ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लास, द डिफरेंट नेचर ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लास।
नावल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इस पर भी डील करती है इन इक्वालिटी सॉरी ड्रामा की इन इक्वालिटी की लेकर के बात करती है, इन जस्टिस को लेकर बात करती है, क्लास स्ट्रगल को लेकर बात करती है, गैप इकोनॉमिक गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और जो गरीब हैं उनकी हेल्पलेस कंडीशन, उनकी पुअर कंडीशन, एंड यू विल कम टू नो की साथ ही साथ यह इसको लेकर के बात करती है कि व्हाट लाइफ दे आर लिविंग, कितना ज्यादा हेल्पलेस है, यू कैन से कि टू जस्ट गेट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रूफ हुआ, वाटर हुआ, फूड हुआ, केवल इसकी अवेलेबिलिटी भी उनको नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या किया गया है, ड्रामेटिस्ट ने इस प्ले में बात किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो सिल्वर बॉक्स है इससे मिसिंग हो जाता है, और इसका जो मिसिंग का रिलेशन है वह कहीं ना कहीं किसी लोअर क्लास की फैमिली से ही है, यू फाइंड दिस थिंग। अब उसके बाद जो है जिस परिवार की बात हम लोग कर रहे हैं वह बार्थविक फैमिली है। सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है कि एक फैमिली है और वो फैमिली जो है वह क्या है, पॉलिटिशियन है, लीडर है, बड़े घराने के हैं, उनके अपने हाथ में पार है, तमाम चीजें हैं। तो उस जो वो चीजें हैं उसमें जो है दिखाया गया है, एंड यू विल कम टू नो कि पूरे ड्रामा की जो सेटिंग है, पूरे ड्रामा की सेटिंग कहाँ पर होती है, लंदन शहर में होती है। लंदन शहर में पूरे ड्रामा की सेटिंग होती है, और उस लंदन शहर में आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्ट है, फर्स्ट एक्ट का मतलब थ्री सीन्स है, वह लंदन शहर में किसके घर पर, जॉन बार्थविक के घर पर, जो आप कह सकते हैं जो लीडर है, लीडर का क्या नाम है, जॉन बार्थविक, JOHN जॉन बार्थविक, BARTHWIC, वो एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पॉलिटिशियन है, उनके घर के डाइनिंग रूम में शुरू की कहानी घटित होती है। सो हमें ये ध्यान में रखना है कि यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि जॉन बार्थविक जो एक लीडर है, जो एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जॉन बार्थविक जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन काइंड हार्टेड है, जॉन बार्थविक कुछ हद तक काइंड हार्टेड है। उनका जो बेटा जैक बार्थविक है वह उस नेचर का नहीं है, वह उस नेचर का नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस परिवार को, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, उस फैमिली में दो मेन कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर जॉन बार्थविक, एक कैरेक्टर जैक बार्थविक, और जॉन बार्थविक की वाइफ मिसेस बार्थविक, रिमेंबर दैट। देन व्हाट हैपेंड कि जॉन बार्थविक एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उनके बेटे का क्या नाम है, जैक बार्थविक, हु इज जैक बार्थविक, जैक बार्थविक इज द सन ऑफ जॉन बार्थविक, लेकिन उनका जो बेटा है वह ड्रिंक करता है। आप कहा जाए कि एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन है फादर की उस पर खरा नहीं उतरता है, ऐसे का मिसयूज कर रहा है, लेट नाइट पार्टी ज्वाइन करता है, ड्रिंक करके आता है, तमाम चीजें, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। तो मैं थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर के बात कर दे रहा हूँ कि व्हाट कैरेक्टर डू यू फाइंड इन द प्ले और क्या चीजें हैं। तो प्ले का जो सेटिंग है वो कहाँ पर है, लंदन शहर में, किसके डाइनिंग रूम में होती है, जॉन बार्थविक के, और जॉन बार्थविक क्या है, एक लीडर है, और ये जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लिबरल है, लिबरल है, लेकिन उनका बेटा जो है जिसके कहा जा सकता है बिगड़ी औलाद है, तो वही चीज है, जैक बार्थविक उनका बेटा है जो कि लेट नाइट ड्रिंक वगैरह करके आता है, अपनी जगह है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक और कैरेक्टर है जोन्स, JONES, जोन्स जो है ये क्या है, सर्वेंट है। उसकी जो बीबी है मिसेस जोन्स अगर कहा जाए, वह भी जो है इन्हीं के घर में नौकरानी है। देन आपको ध्यान में रखना, जोन्स एंड मिसेस जोन्स वे दोनों जो है इनके घर में क्या है, नौकर है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि जो पूरी कहानी है वह जोन्स, मिसेस जोन्स, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक, ये जो लोग हैं इन्हीं लोगों के बिहेवियर को लेकर के बुनी गई है। एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास की फैमिली और दूसरी नौकरानी, उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ में क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर के चीजें बुनी गई है। तो जोन्स बार्थविक और जोन्स बार्थविक के साथ साथ उनकी वाइफ मिसेस बार्थविक, दे आर व्हाट, दे आर द सर्वेंट। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि जोन्स बार्थविक और मिसेस जोन्स,
नो नॉट एट ऑल, जोस और मिसेस जोस, और बार्थविक तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास की फैमिली है. नाउ यू फाइंड दैट की देयर इज अनदर कैरेक्टर व्हीलर और मार्लो, ये भी दो कैरेक्टर है, व्हीलर और मार्लो है, वो भी सर्वेंट ही है. और जो मार्लो है वही पॉइंट आउट करता है कि सिगरेट का जो बॉक्स है वह मिसिंग है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु पॉइंट्स आउट कि सिगरेट का बॉक्स मिसिंग है या सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, तो मार्लो ये पॉइंट आउट करता है. उसके अलावा एक डिटेक्टिव पुलिसमैन है जिसका नाम इस्नो है, यस एन ओ डब्ल्यू, इस्नो एक डिटेक्टिव पुलिसमैन है जो इस केस की छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि सिल्वर बॉक्स की चोरी किसने की है. इसके अलावा एक वकील है जिनका नाम क्या है, रॉपर, जिनका नाम रॉपर, आर ओ पी ई आर, रॉपर. एंड अदर पॉइंट विच यू सी कि इस पूरे जो है एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो फैमिली है उसके जो हेड हैं, जो जॉन बार्थविक हैं, जॉन बार्थविक की सिंपैथी जो है गरीबों के प्रति है, लिबरल. नाउ मैं फिर से आपको बता दूं कि जो प्ले है उस प्ले में दो क्लास की कहानी है, एरिस्टोक्रेटिक है और लोअर क्लास है. एरिस्टोक्रेटिक को जो रिप्रेजेंट करता है वह बार्थविक फैमिली है, और उस बार्थविक फैमिली में कौन लोग हैं, एक जॉन बार्थविक है और एक जैक बार्थविक है, और साथ ही साथ जो है मिसेस बार्थविक है. जॉन बार्थविक फादर है, जैक बार्थविक उनकी बिगड़ी औलाद है जो ड्रिंक करके आता है, लेट नाइट पार्टी ज्वाइन करता है, पैसे का मिसयूज कर रहा है. उनके घर में नौकर है, नौकर का नाम मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स है. इसके अलावा और भी नौकर है व्हीलर मार्लो के नाम से. घटना एक ये होती है कि सिगरेट बॉक्स की मिसिंग है, कैसे होती है उसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. लेकिन उसके अलावा बीच में कुछ और चीजों को, इस केस को सॉल्व करने के लिए इस्नो नाम के एक डिटेक्टिव आते हैं, वो इसका पता लगाते हैं. फिर उसके बाद जो है जो आपके वकील हैं, क्योंकि मैंने बताया कि लॉ को खरीदा और बेचा भी जा रहा है ये भी दिखाया गया है, तो वकील जो रॉपर है उनका भी जिक्र किया गया है. इन दिस वे यू फाइंड दीज थिंग, इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स की क्या क्या चीजें घटित होती हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी सिचुएशन घटित कैसे हुई है या कैसे हुआ था. रिमेम्बर दैट कि एक रात को जो जैक बार्थविक, जो बेटे जॉन बार्थविक हैं, जैक बार्थविक जो ड्रिंक करते हैं, एक रात को वो ड्रिंक करके आते हैं और अपने हाथ में किसी अननोन लेडी का छोटा सा पर्स लिए हुए हैं जिसको रेटिक्यूल कहा जाता है, आर ई टी आई सी यू एल ई. उस छोटे से पर्स के अंदर जो है क्या है, वो सिल्वर बॉक्स है, और वह जो लेडी है वह अननोन लेडी है, वह लेडी अननोन है. अब इसका मतलब कि अगर वह अननोन लेडी है और जैक बार्थविक जो है पर्स लेकर के आते हैं ड्रिंक किए हुए, इसका मतलब है कि वो किसी पार्टी में गए थे और वो पार्टी उन्होंने उस लेडी के साथ ज्वाइन किया था, और जो है एनी हाउ ड्रिंक में या कैसे जो है उन्होंने क्या किया, वो पर्स लेकर के आते, उस लेडी का कोई नाम नहीं रखा, कोई कैरेक्टर नहीं, अननोन लेडी है. अगर क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने किसका पर्स लिया था, तो अननोन लेडी का, उसका कोई नाम नहीं है. जब वो आते हैं तो वो इतना ड्रिंक किए हुए, इतना ड्रिंक कि वो जो है अपने घर का दरवाजा या कमरा जो कुछ भी उनका था उसको सही से खोल नहीं पा रहे थे, तो दरवाजा खोलने में उनकी मदद मिस्टर जोन्स जो नौकर हैं वो करते हैं. मिस्टर जोन्स केवल उनकी मदद खोलने में ही दरवाजा नहीं करते, बल्कि जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके जो बॉस हैं, अगर मैं वर्ड यूज करूं बॉस ही, जिनका नाम जैक बार्थविक है, वो इतना शराब पी रखे हुए हैं कि खुद से अपने जो है बेड पर नहीं जा पाते हैं. तो जोन्स, जो मिस्टर जोन्स उनकी मदद करते हैं, कहां तक ले जाते हैं, उनको बेड तक ले जाते हैं, ठीक है चीजें. तभी वो देखते हैं कि इस आदमी के हाथ में जो पर्स एक रहता है रेटिक्यूल, जो एक पर्स रहता है, वह पर्स गिर जाता है, और उस गिरे हुए पर्स से एक सिल्वर बॉक्स भी निकलता है. तो जोन्स क्या करते हैं, उस बॉक्स को ले लेते हैं. अब वो ले लेते हैं, वो पूछते भी हैं, अब जैक
या आप कह सकते हैं जैक इतना नशे में थे, जैक को क्या पता कि कौन क्या ले रहा है, उनको होश ही नहीं था, या उसने गर्दन हिलाई परमिशन दी लेने की या नहीं दी, वो क्या करते हैं, जोस वो पर्स लेकर के चले जाते हैं। अगले दिन जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि घराना इनका होता है कि ये लोग ड्रिंक करेंगे शाम को जब रात में, उसके बाद सुबह में इनका नशा उतरता है तो जागते हैं, नौकर आता है, चाय पानी तमाम चीजें। जोन्स की वाइफ मिसेस जोन्स आती हैं, घर का जो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो कुछ भी उनका काम है वो करती है, ठीक है काम कर रही, रोजगार चाहिए अपनी जगह है। उसके बाद जो है तभी एक अननोन कॉल आती है, वह अननोन कॉल किसी की और की नहीं होती, उस लेडी की होती है जिसका पर्स जो है जैक बार्थविक लिए हुए। वो लेडी ये कहती है कि तुम मेरा पर्स लेके गए हो, उसमें पैसा वगैरह था, मुझे जो है अपने मालिक को रेंट देना है, मेरा तुम पर्स वापस कर दो। तो पता ये चलता है कि वह पर्स गायब है, वह बॉक्स गायब है, उसमें वो चीज कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं लाया, वो कहती नहीं आप ले गए हैं। बातें आगे बढ़ती है, ये बात जो है होती है। तो पर्स के साथ साथ एक चीज ये होता है कि जो सिल्वर बॉक्स है उसको मार्लो पॉइंट आउट, मैंने बताया था कि एक नौकर है कि मार्लो पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीज गायब है। परिवार के लोगों का शक जो होता है, चाहे वो जैक बार्थविक हो, जान बार्थविक हो, उनका शक इस पर जाता है कि इसकी जो चोरी की है मिसेस जोन्स ने की है, ना कि मिस्टर जोन्स ने। ध्यान में रखिएगा, परिवार के लोग ये सोचते हैं कि इसकी जो चोरी की गई है किसके द्वारा की गई है, मिसेस जोन्स के द्वारा की गई है, ना कि मिस्टर जोन्स के द्वारा की गई है। ठीक है, तो क्यों की गई है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उसको जो है जिस घर में रहती है उस घर का उसको रेंट भी उसको भी देना है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो लालच में आकर उसने चुरा लिया होगा। अब ये चीज आगे बढ़ती है, उसके बाद जो है मिसेस जोन्स क्या करती है, जाती है अपने घर में, अपनी लॉजिंग में जहां वह रहती है, वहां पे उसके हस्बैंड मिस्टर जोन्स कहते हैं कि जब भी मैं नौकरी की तलाश में जाता हूं लोग मुझे बहुत उल्टा पुल्टा कहते हैं, बैड ट्रीट करते हैं, मैं क्या नौकरी करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। सो मेनी कंप्लेंट्स यू फाइंड, आप देखेंगे तमाम तरह की कंप्लेन आती है होती है। ठीक है, कंप्लेन अपनी जगह जायज है, हस्बैंड वाइफ का मामला है, लेकिन मिसेस जोन्स बहुत परेशान है। मैंने बताया था कि ये ड्रामेटिस्ट की खासियत है, एक ड्रामेटिस्ट ने उस साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया है कि एक आदमी जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है और जब सारी चीजें पैसे के बल पर चलती हैं तो उसकी जो मनोदशा है, जो उसकी साइकी है, बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि मिसेस जोन्स कितनी परेशान है, उसकी जो उलझने है उस उलझने का नाम नहीं ले रही है। तो वो जो है इरिटेट होती है अपने हस्बैंड पर और कहती है कि यू आर जस्ट ओनली सेइंग दीज वर्ड्स नॉट डूइंग एनीथिंग। अभी जो हमारी लैंड लेडी आएगी वह हमसे जो है क्या करेगी, किराया मांगेगी, कहां से हम किराया चुकाएंगे। मिस्टर जोन्स जो है क्या करते हैं, जोश में आते हैं, पता नहीं कहां से जहां से भी उनको पैसा मिलता है या उस अननोन लेडी का पर्स चुरा के लाए रहते हैं, उसमें जो भी पैसा रहता है उसको पैसा देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ उसको किराया दे देना। यहां पर आप एक चीज ये देखेंगे कि इसी समय जो है जिस सिल्वर बॉक्स का जिक्र जो है, जब वो झाड़ू पोछा करने वहां घर पे गई हुई थी, वह देखती है कि वो सिल्वर बॉक्स किसके पास था, मिस्टर जोन्स के पास था। तब वो मिस्टर जोन्स के को कहती है कि आपने ये सिल्वर बॉक्स क्यों चुराया, ये पर्स आपने क्यों लिया, इसका जिक्र वहां घर पर जहां मैं नौकरी करती हूँ वहां पे हो रहा है और वो लोग पुलिस केस करेंगे, जो भी बातें होती हैं इस तरह की तमाम चीजें होती हैं इसी समय ड्रामा में। हाँ, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, वो कहता है मैंने इसे चुराया नहीं है और ये ध्यान में रखना है कि मैं उस जैक से बेहतर हूँ। अब डायलॉग सुनिएगा, जोन से कहते हैं कि मैंने इसे चुराया नहीं है, मैं उस जैक से बेहतर हूँ जो पैसे की बर्बादी करता है, रात में ड्रिंक करके आता है, लेट नाइट पार्टी ज्वाइन करता है। इनका कहने का सेंस है मैं उससे बेहतर हूँ चूंकि मैं इस पैसे को बर्बाद नहीं कर रहा, ये चीज है। अब ये चीज जस्टिस कहां तक सही है, वो पैसा उसका है, वो पैसा इनके हाथ में आता है, अनडाउटली उसको बर्बाद नहीं कर रहे, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर वो ये कहता है नहीं, ये आप उसका मिसयूज कर रहे हैं।
जब बीबी और हस्बैंड और बीबी में तकरार होती रहती है, व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज अ क्लैश बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर अक्यूजिंग ईच अदर, कंप्लेनिंग अगेंस्ट ईच अदर, सच अ थिंग यू सी दैट ड्रामा, उसी समय एक डिटेक्टिव का आना होता है जिसका नाम क्या है, स्नो। डिटेक्टिव आता है और वह क्या करता है, वह जो है जोन्स को पकड़ लेता है, जोन्स का मतलब मिस्टर जोन्स को, और कहता है कि सिल्वर बॉक्स तुम्हारे हाथ में, तुमने इसको चुराया। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं चुराया, ये सारा चीज जो है इस तरह से घटना हुई, वो शराब पी करके आए थे और ये सिल्वर बॉक्स गिरा, ये पर्स गिरा, उसके बाद जो है इस तरह की चीजें हुई थी और तब मैंने ऐसा लिया और मैंने उनसे पूछा। अब नशे में उन्होंने जो भी कहा, दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स, ये चीज उनके ऊपर ग्रज किया जाता है, ये चीज उनके ऊपर कंप्लेन की जाती है। देन यू विल कम टू नो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वह कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो जो मिस्टर जोन्स है वो इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो डिटेक्टिव पर अटैक कर देते हैं। तो एक तरह से जो है यह क्या था, यह उनका एक आप कह सकते हैं कि एक निगेटिव फेनोमेना था, एक पुलिस मैन पर अटैक करना, ये चीज जो है वो बट इरिटेट होकर के गुस्से में या चीजों को जो भी सिचुएशन रही वो उसको अटैक करते हैं। एक दूसरा पुलिस वाला आता है, वह जो है क्या करता है, मिस्टर जोन्स को दबोचता है और इन सब लोगों को लेकर के घर पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जॉन बार्थविक है, जो जॉन बार्थविक है, जॉन बार्थविक का जो नेचर है वह काफी अच्छा है, वो लिबरल है, उनकी सिंपैथी जो है उसके प्रति है, और वो कहते हैं कि जो है इस केस को यहीं पे खत्म किया जाए, इस केस को जो है आगे ना बढ़ाया जाए। वो ये कहीं से नहीं कहते कि इस केस को आगे बढ़ाए, उन्होंने कहा इस केस को खत्म किया जाए, यहीं पर ही रखा जाए। और उसके बाद उसमें जो वकील की एंट्री होती है जिसका नाम आप कह सकते हैं कि रॉपर है, रॉपर कहता है कि पुलिस केस तो बनेगा, लेकिन जब पुलिस केस बनेगा तो क्या किया जाएगा। तो रॉपर जो है जब ये कहता है कि नहीं पुलिस केस बनेगा क्या किया जाएगा, तो ये होता है कि सारी चीजें किसके ऊपर टाल दी जाए, सारी चीजें जो है टाल दी जाती हैं किसके ऊपर, जोन्स के ऊपर, मिस्टर जोन्स के ऊपर। और जो जैक है यह मुकर जाता, वो कहता है ना तो मैंने लेडी का पर्स चुराया, ना ही जो है क्या किया था, जो जोन्स है वह आया था मुझे हेल्प किया, या मैं ड्रिंक में था। तो अब आप ये देखेंगे कि जिस आदमी ने लेडी का पर्स लिया था, जो ड्रिंक में था, जिसकी हेल्प जो है मिस्टर जोन्स ने किया था, वह अपने बचाव में क्या करता है, मुकर जाता है, कहीं पे किसी तरह का अपनी जिम्मेदारी लेता ही नहीं, ओढ़ता ही नहीं है, सारी चीज किसके ऊपर चली जाती है, मिस्टर जोन्स के ऊपर। और मिस्टर जोन्स को एक महीने की जो है कैद, मतलब उसको जो है जेल भेज दिया जाता है। बाद में मिस्टर जोन्स जब छूट करके आता है तो वह इतना इरिटेट होता है कि वह जो है बहुत जैक से उसका क्या होता है, जैक से उसका जो है काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा का, नॉट एनी फाइटिंग, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी का, किस तरह का। तो पूरे ड्रामा में आप ये देखेंगे क्रिस्टोक्रेटिक फैमिली, लॉ एंड ऑर्डर, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, सो मेनी थिंग्स यू सी। बार बार मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक गैप यह एक बहुत बड़ा अभिशाप है जिसको लेकर के जो है दीज थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। And you find the nature, जो मिसेस जोन्स है, जो उसकी वाइफ है, उसको तो फ्री कर दिया जाता है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हाईली चैलेंजिंग, देर आर सो मेनी इशूज, पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड यू फाइंड दैट की देर इज अ गैप, इन इक्वल डिविजन ऑफ इकोनॉमी, इन इक्वल डिविजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दीज थिंग्स यू फाइंड, एंड यू कम टू नो की हाउ द लॉ इज अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ दोज पीपल हु आर इन पावर, उनके हाथ, एंड हाउ डू दे मिस यूज दीज थिंग, वो कैसे इसका मिस यूज करते हैं। तो जो ड्रामा है, या केवल ड्रामा ऐसा नहीं कि या कहानी है, इट्स द व्हाट, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ आर लाइफ, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, या इन विच जॉन गॉल्सवर्थी वाज लिविंग, एंड ही टोल्ड टू ऑल ऑफ अस हाउ द लॉ इज मिस यूज आर मिस इंटरप्रेटेड बाई द पीपल हु आर इन पावर। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि आई हैव डन माई जॉब, एंड इफ आई गेट टाइम तो आज ही मैं एक दूसरा प्ले लूंगा जिसका नाम स्ट्राइफ है। रिगार्डिंग क्लास यू कैन सेंड योर फीडबैक, जो मैंने एक अभी मैटर भेजा था वो तो है ही, मैं तुरंत एक दूसरा मैटर भी भेजने जा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक सर। और मैं जी सर, व्हाट हैपेंस एट लास्ट सर, एट लास्ट आई जस्ट टोल्ड यू कि जो उसको होता है एक साल की, एक महीने की उसको सजा दी जाती है, एक महीने के बाद वो छूट करके आते हैं। फिर आप एक देखेंगे एक हार्श रियलिटी हमारे सामने आती है कि जो पुअर पीपल है वो भी अपने राइट्स के प्रति जागरूक होता है,
जैक का जो सम्मान उम्मान करते थे वो नहीं होता, एंड अल्टीमेटली यू फाइंड दैट कि चीजों को यहीं तक ही सॉल्व किया जाता है कि उसको एक महीने की सजा दी जाती है। जब वो छूट करके आते हैं तो वो अपनी बात को बहुत मजबूती से जैक के पास रखता है, लेकिन जैक किसी चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दिस इज ओनली द लास्ट पॉइंट। तो वी विल मीट इन द इवनिंग मोस्ट इट इज अ कॉमेडी या Sir, how can we decide it that it is a comedy? It's a comedy because you find that there is a only social issue, just as you find that the anti-romantic comedy or problem play. In problem play or anti-romantic comedy, you find that there is no murder. As you find that tragedy ka jo definition hai, wa kya hota? Unhappy ending hoga tragedy mein. There will be murder, ghostly atmosphere, so many things. इवन जो मॉडर्न ट्रेजिडी लिखी गई है, इफ यू हैव गॉन विद ऑल माय सन जो है आपका आर्थर मिलर का, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है, वो किसका एग्जांपल है? वो मॉडर्न मॉडर्न ट्रेजिडी का एग्जांपल है। मॉडर्न ट्रेजिडी में हमेशा कोई ना कोई डेथ दिखाया जाएगा या जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको दिखाया जाएगा। वहां पे आप देखते हैं कि कैसे जो है जो आर्थर मिलर का जो प्ले ऑल माय सन है उसमें कैसे जो किलर लास्ट में अपने आप को जो है गन से शूट कर लेते हैं, दिस थिंग्स यू फाइंड। लेकिन इसको कॉमेडी, ये सोशल पर्सपेक्टिव में कॉमेडी का मतलब यहाँ पे केवल इतना ही नहीं है कि यू फाइंड दैट कि एक लव अफेयर है या आप रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। मैंने आपको पहले वर्ड यूज किया कि सोशल कॉमेडी, एंड इन दिस कॉमेडी यू डोंट फाइंड कि एक ऐसा लाफिंग है, सैटिरिकल वे में है, आयरोनिकल वे में है, हार्श रियलिटी को प्रेजेंट किया गया, और उस तरह की कॉमेडी है जो एंटी रोमांटिक कॉमेडी आप पाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Are you getting it? Yes, okay, sir. So then, yeah, okay. Remember that मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये उस तरह की कॉमेडी नहीं है जिस तरह का कॉमेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी होता है। मॉडर्न एज की जो कॉमेडी रही है उसमें जो है सोशल इश्यूज और सोशल चैलेंजेस को लेकर के बात की जाती है, इस तरह की चीजों को आप पाते हैं। Okay, we will meet in the evening. There is a possibility. एक लेक्चर मैं आपको आज और दूंगा, और वो किस पर रहेगा? स्ट्राइक पर रहेगा, उस पर मैं आपको दूंगा। ओके ओके।